हेलो फ्रेंड्स, मैं कुक विद मीना। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके से भुट्टे की एकदम नई सी रेसिपी। और आपको मैं एकदम आसानी और अच्छे तरीके से भुट्टे को भुनना बताऊंगी और इसे बिना पानी में उबालना बताऊंगी। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखें तभी समझ में आएगा हमने इसे किस तरीके से बनाया है। हमने एकदम नए तरीके से बिना पानी का उबाल के तैयार किया है और भुट्टे को हमने इस तरीके से भुना है कि ये आपको अंदर से भी पका मिलेगा, बाहर से आपको एकदम स्मोकी फ्लेवर में भुना हुआ मिलेगा, जिस तरीके से आप मार्केट का खरीद के खाते हो। देसी भुट्टा से कॉर्न कप बना के तैयार किया है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं इस रेसिपी को हम बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 4 भुट्टा ले लिया है जो बड़े साइज का है, उसे हमने इस तरीके से तोड़ के ले लिया है। ये एकदम कच्चा भुट्टा है, जब आप नाखून को भुट्टे में इस तरह से दबाएंगे तो वो एकदम अंदर तक चल जाएगा और उसके अंदर से दूध निकलने लगेगा, तो मतलब आपका भुट्टा एकदम कच्चा है। एकदम सॉफ्ट भुट्टा ले, अगर सॉफ्ट भुट्टा होगा तो वो खाने में भी टेस्टी मीठा होगा। जब भी आप कोई चीज़ बनाए तो आप भुट्टे को इस तरीके से दबा के देख ले, तो अगर उसमें से दूध निकलता है और नाखून अंदर तक चला जाता है मतलब वो अच्छा भुट्टा है, एकदम कच्चा भुट्टा है, तो वो खाने में भी टेस्टी लगता है और मीठा होता है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक ऐड करेंगे। नमक को हम पानी में अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। नमक पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम जो भुट्टा छील के रखे हैं उसे हम इस पानी में डालेंगे। भुट्टे के ऊपर हम एक ढक्कन ढक के रखेंगे, वो थोड़ा सा छोटा हो और वो ढक्कन उस भुट्टे को दबा के रखेगा ताकि ये भुट्टे ऊपर ना आए और नीचे पानी में रहे, जो नमक वाला पानी है वो ये अच्छे तरह से सोख कर सके। तो हम भुट्टे को 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे, इससे ये होगा कि नमक इसके अंदर तक चला जाएगा। 10 मिनट हो चुका है, अब हम इस ढक्कन को यहाँ से हटाएंगे और ये भुट्टा जो डूबा हुआ पानी में है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है, कुकर में हम भुट्टे को डालेंगे इस तरीके से। इसे हमने बिना घी या फिर बिना पानी का उबालना सेकना है, सेकना कहे या फिर इसे उबालना कहे, हम इसे बिना पानी का उबालेंगे। इस तरीके से करने से ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और हमने फिर वही वाली जो नमक पानी लिया है उसे ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक छोटा साइज का टावल ले लिया है, इसे हम इस पानी में डिप करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से पानी में डिप कर लेंगे, इसे हम बहुत ज़्यादा कस के नहीं निचोड़ेंगे। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और फिर हम वही कुकर को ले लेते हैं। अब हम इस कपड़े को भुट्टे के ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे। हमने यहाँ पे भुट्टे के ऊपर इस तरीके से कपड़े को फैला लिया है, अब हम इसे ढक्कन से बंद कर देंगे और इसे हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हम भुट्टे को 1 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर में 1 सीटी आ गया था, मैंने कुकर को फ्लेम से निकाल के नीचे रख लिया है, अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा के इसे निकालेंगे। तो कपड़ा बहुत गर्म है, उसे लिए आप कोई चिमटा से इस कपड़े को निकाल ले। देख सकते हैं फ्रेंड, इसके भाप में ये कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी में डालना भी नहीं पड़ा। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पानी में डालते हैं फिर इसके अंदर पानी भर जाता है, कि ये बिल्कुल सूखा है, अच्छी तरीके से पकी हुई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से भुट्टे को सेक लिया है, एकदम अच्छी तरह सेका। देख सकते हैं फ्रेंड ये कैसे सेका हुआ है, एकदम पकी हुई है। अब हम यहाँ पे 2 भुट्टे को गैस में सेक लेंगे और 2 भुट्टे का कॉर्न चाट बनाएंगे।
तो इसे सेकने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। इस भुट्टे को हम गैस में सेक लेंगे। फ्लेम को हम लो में करेंगे। और दोनों भुट्टे उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसे आपको बार बार पलटते रहना है ताकि ये कहीं से जले नहीं। और फ्लेम को हम लो मीडियम पे रखेंगे। अब भुट्टा यहाँ पे अच्छी तरह से सेक चुका है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये कितनी अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने भुट्टे को कितनी अच्छी तरह से भून के तैयार किया है और एकदम आसानी से भुना है। इस तरीके से आप भुट्टे को खाओगे, ये अंदर से कच्चा भी नहीं लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर भुट्टे को भूनें। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। उसके लिए हमने उबला हुआ भुट्टा ले लिया है। इस भुट्टे को हम साइड में रख देते हैं। अगर आप चाहे तो इसे, क्योंकि इसे हमने नमक में डिप किया था इसलिए हमें इसमें नमक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें नींबू और चाट मसाला लगा के इसे इसी तरह से खा सकते हैं, या फिर इसे आप इसका दाना निकाल के इसे चाट बना के खा सकते हैं। तो चलते हैं इसका हम चाट बनाएंगे। इसे हम चाट बनाने के लिए, तो उसके लिए फ्रेंड हमें इसका सारा दाना निकाल लेना होगा। तो इस तरीके से हम इसका सारा बीज निकाल लेंगे, या फिर आप इसे चाकू से निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक चाकू ले लिया है और हमने दूसरा भुट्टा ले लिया है। बीच से हम इस भुट्टे को इस तरीके से निकालेंगे। ये एकदम आराम से निकल जाता है। पहले हम एक लाइन निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से करेंगे तो ये जल्दी जल्दी फिर निकल आएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड कितना जल्दी ये निकल आता है। इसी तरह हम सारे भुट्टे को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने यहाँ पे कितने आसानी और जल्दी से सारे भुट्टे को छील के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं अगला स्टेप करने के लिए। पैन में हम आधा छोटा चम्मच जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसी में हम एक छोटा चम्मच जितना बटर ऐड करेंगे। हमें तेल और बटर का ज़्यादा यूज नहीं करना है। बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देंगे। अब हम इसमें एक बारीक मिर्ची को काट के ले लिया है और आधा टुकड़ा प्याज को हमने बारीक काट के ले लिया है। टमाटर को आधा काट के उसे भी हमने बारीक काट के ले लिया है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एकदम हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब हमने जो उबाल के कॉर्न रखा है उसे ऐड करेंगे। और इसे हम इनमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच जितना हमने कश्मीरी मिर्च ले लिया है, ये कम तीखा होता है और कलर अच्छा देता है। और एक छोटा चम्मच चाट मसाला ले लिया है और आधा छोटा चम्मच से भी कम हमने काला नमक ले लिया है। इन सबको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब बनाए एकदम लो फ्लेम कर ले, क्योंकि इसे हम ज़्यादा भून देंगे तो एकदम कड़क हो जाएगा। हमें इसे सॉफ्ट ही रखना है। अब हम इसमें ऑर्गेनो फ्लेक्स डालेंगे। इन सबको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। आप कोई सा भी मेयोनीज ले सकते हैं। एक टेबलस्पून जितना टमाटो केचप ऐड करेंगे। अब हम इन सबको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये बनके तैयार हो गया है। हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे।
इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा भुट्टे से बनने वाला एकदम टेस्टी और यमी सा चाय के साथ खाने के लिए बनके तैयार हो गया है। आप इसे बिना चाय से भी ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप मेरी तरीके से इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसे हमने कितने अच्छे तरीके से बना के तैयार किया है। अब हम इसे सर्व करेंगे इस चाय पीने वाले कप में। अगर आपके पास ये कप ना हो तो आप इसे छोटी कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इस भुट्टे को इस कप में ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने यहाँ पे टेस्टी यमी सी भुट्टे से बना के एकदम नई सी रेसिपी तैयार किया है। तो भुट्टे से बना के एकदम चटपटी नई सी रेसिपी तैयार किया है। आप भी देसी भुट्टे से घर में ही इस तरह से बना के खा सकते हैं। बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया। तो अगर आपने एक बार इस तरीके से बनाकर खा लिया तो आप इसी तरह से बना के इस भुट्टे को खाना चाहेंगे। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।